मोर पपी है भी शोर मचाए, डाली डाली डोले इठलाए, कलियां भंवरों को दे निमंत्रण, कलियां भंवरों को दे निमंत्रण, जूनों ने सबको भरमाया है, कलियां भंवरों को दे निमंत्रण, जुगनों ने सबको भरमाया है, अब के ऐसा सावन आया है, अब के ऐसा सावन आया है। वॉइस कॉल फ्रॉम +91 75 97 2। गई थी अब कल करती, गई थी अब कल करती, आंगन आंगन में हलचल करती, सूख गई थी अब कल करती, आंगन आंगन में हलचल करती, पनघट पनघट पर मेले लगते, पनघट पनघट पर मेले लगते, सब दुख सब दुखियों का मन सहलाया है, पनघट पनघट पर मेले लगते, पनघट पनघट पर मेले लगते, सब दुखियों का मन सहलाया है, अब के ऐसा सावन आया है, अब के ऐसा सावन आया है, अमृत में खूनी बरसाया है, अब के ऐसा सावन आया है। मैं अपने पर ढूंढती हूँ, कहाँ की मैं अपना घर ढूंढती हूँ, परी हो कि मैं अपने पर ढूंढती हूँ, कहाँ की मैं अपना घर ढूंढती हूँ, अगर मंजिले मेरी मुट्ठी में बंद है, अगर मंजिले मेरी मुट्ठी में बंद है, तो क्यों चलने भर को डगर ढूंढती हूँ, अगर मंजिले मेरी मुट्ठी में बंद है, तो क्यों चलने भर को डगर ढूंढती हूँ, जो साहिल से बंध कर खड़े हैं सफीने, जो साहिल से बंध कर खड़े हैं सफीने, मैं उनकी ही तरह लहर ढूंढती हूँ, जो साहिल से बंध कर खड़े हैं सफीने, मैं उनकी ही तरह लहर ढूंढती हूँ, परी हो कि मैं अपने पर ढूंढती हूँ, कहाँ की हूँ मैं अपना घर ढूंढती हूँ, जो कलियों के चेहरों पे नफरत उंडेले, जो कलियों के चेहरों पे नफरत उंडेले, मैं आंखों में उनकी डर ढूंढती हूँ, जो कलियों के चेहरों पे नफरत उंडेले, अब आंखों में उनकी मैं डर ढूंढती हूँ, परी हो कि मैं अपने पर ढूंढती हूँ, कहाँ की हूँ मैं अपना घर ढूंढती हूँ। जिंदाबाद। क्यों जख्म देकर छोड़ देते हो एक नन्हा परिंदा हूँ मैं, क्यों जख्म देकर छोड़ देते हो, जख्म देकर छोड़ देते एक नन्हा परिंदा हूँ मैं, निकालो तरकस से एक और तीर, अभी अभी मरा नहीं जिंदा हूँ, वाह 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 वाह, मुझको मेरे अपनों ने ही मार डाला फकत जरा सी बात पर, मुझको मेरे अपनों ने ही मार डाला फकत जरा सी बात पर, जिंदगी भर की नेकियां चढ़ गई सुली पर, क्योंकि जिंदा हूँ, क्योंकि जिंदा हूँ, और कर दिया छलनी मुझे अपनों ने ही शब्दों के व्यंग बाणों से, कर दिया छलनी मुझे अपनों ने ही शब्दों के व्यंग बाणों से, कोई आकर के चख्मों पर नमक लगाओ कि अब तक जिंदा हूँ, कोई आकर चख्मों पर नमक लगाओ कि अब तक जिंदा हूँ मैं, मेरी दिली जज्बात को यह जमाना अब तक समझ ना पाया, मेरे दिली जज्बात को यह जमाना अब तक समझ ना पाया, गजल पढ़कर भी मेरी वो अनपढ़ ही रहे, गजल पढ़कर भी मेरी अनपढ़ ही रहे, कैसे जिंदा हूँ मैं, कैसे जिंदा हूँ, दिल में हजारों ख्वाहिशें अभी और है बाकी, ना उठावे जनाजा मेरा अभी तक जिंदा हूँ मैं, और रुकता नहीं सफर का कारवा किसी के ना आने से, विजय मर गई है संवेदना अगर तो तोड़ लो संबंध, चलूंगा फिर भी अकेला ही,
क्योंकि जिंदा हूँ साहित्यकारों कलमकारों को प्रणाम करता हूँ। जमीन पर खड़ी हुई पहाड़ियाँ देखी होंगी जरूर, जालों के आसपास मकड़ियाँ देखी होंगी, जमीन पर खड़ी हुई पहाड़ियाँ देखी होंगी जरूर, जालों के आसपास मकड़ियाँ देखी होंगी जरूर, और साहब बाबुल से विदा लेती ही है बेटियां, मगर कई दफा पैरों में पड़ी पगड़ियां देखी होंगी, बेटियां मगर कई दफा पैरों में पड़ी पगड़ियां देखी होंगी जरूर, माना लोही जंजीर होती है मजबूत बहुत, माना लोहे की जंजीरें होती है मजबूत बहुत, पर एक एक करके टूटी हुई कड़ियां देखी होंगी, पर एक एक करके टूटी हुई कड़ियां देखी होंगी जरूर, जवानी में करते रहे वो अपने बाजुओं की हिम्मत के दावे, जवानी में करते रहे वो अपने बाजुओं की हिम्मत के दावे, बुढ़ापे में उनके हाथों में भी छड़ियां देखी, छड़ियां देखी होंगी जरूर, बेवक्त करते रहे वो बलिदानी और देशभक्ति की बातें, बेवक्त करते रहे वो बलिदानी और देशभक्ति की बातें, वक्त आने पे उनके हाथों में चूड़ियां देखी होंगी जरूर, और साहब ठंड के बचाव में हर चील अपने घोंसले में थी, ठंड के बचाव में हर चील अपने घोंसले में थी, पर बाहर बैठी टूटी हुई चिड़ियां देखी होगी जरूर, पर बाहर बैठी टूटी हुई चिड़ियां देखी होगी जरूर, जमीन पर खड़ी हुई पहाड़ियां देखी होंगी जरूर, जालों के आसपास मकड़ियां देखी होगी जरूर। वाह वाह वाह। कुछ पंक्तियां देखिए साहब की, असर रहता है भीतर तक, असर रहता है भीतर तक उजाले की वफादारी का, जहन लेता है पूरा मजा अंतर मन की चित्रकारी का, जहन लेता है पूरा मजा अंतर मन की चित्रकारी का, दिल दिमाग जश्न मनाते उम्र भर बड़ी तसल्ली से, दिल दिमाग जश्न मनाते उम्र भर बड़ी तसल्ली से, फायदा मिलता है अच्छे विचारों की पहरेदारी, फायदा मिलता है अच्छे विचारों की पहरेदारी का, मेहनत की सादगी की दीवानी हुई कामयाबी भी, मेहनत की सादगी की दीवानी हुई कामयाबी, करिश्मे भी लोहा मानते उसकी इस अदाकारी का, करिश्मे भी लोहा मानते अदाकारी का, और सही रास्ता सही सलूक सही दिशा बने हम सफर, सही रास्ता सही दिशा सही सलूक बने हम सफर, नाश कर ले उसका नतीजा हम समझदारी, नाश कर ले इसका नतीजा हमारी समझदारी का, खुद को भीतर से सजाने का जुनून रखना होता, खुदा भी दीवाना होता ऐसी जबरदस्त तैयारी का, खुद को सजाने का, खुद को भीतर से सजाने का जुनून रखना होता, खुदा भी दीवाना होता ऐसी जबरदस्त तैयारी का, जन्म सफल करना है हमें किसी भी सूरत में, दिल दिमाग को एहसास रहे इस जिम्मेदारी का, जन्म सफल करना है हमें किसी भी सूरत में, दिल दिमाग को एहसास रहे इस जिम्मेदारी का, किरदार निभाने आए हम इस किरदार निभाने आए हैं जहाँ में हम सब, मौका है जिंदगी में खूबसूरत अदाकारी का, मौका मिला है जिंदगी में खूबसूरत अदाकारी का, गलत रास्तों पे चलने की आदी होती बेवकूफियां तो, गलत रास्तों पे चलने की आदी होती है बेवकूफियां तो, वक्त आया इनके मरने से पहले की गिरफ्तारी का, वक्त आया है इनके मरने से पहले की गिरफ्तारी का, खुद की हिफाजत का खुद ही मन बना लेना जल्दी, खुद की हिफाजत का खुद ही मन बना लेना जल्दी, दौर चल रहा है अरुण इस संसार में महामारी का, दौर चल रहा है अरुण इस संसार में महामारी का, धन्यवाद। उसी बात को दिमाग में आई कैसे बनती है गजल कभी कभी,
चल साज हो गई है, निकले गगन में तारे। चल साज, जीवन की साज यहाँ पर ये है। चल साज हो गई है, निकले गगन में तारे। मझधार में सफीना माही लगा किनारे। चल साज हो गई है, इतने बड़े जहां में है कौन अब हमारा। बुढ़ापा आता है, कोई नहीं होता है। बच्चा इधर नौकरी करता है, किसी को फुर्सत नहीं है देखने की। सही कह रहे हो। तो वो भावना है जो बोलती है, इतने बड़े जहां में है कौन अब हमारा, जो साथ में हमारे समय गुजारे। जो साथ में हमारे थोड़ा समय गुजारे। मझधार में सफीना सफीना माझी लगा किनारे। ये जिंदगी हमारी हमारी, ये जिंदगी हमारी कैसे फिसल रही है। ये जिंदगी हमारी कैसे फिसल रही है। धुंधली हुई नजर है, नजर धुंधली हुई नजर है, नहीं नजारे। ये जिंदगी हमारी कैसे फिसल रही है। धुंधली हुई नजर है, दिखे नहीं नजारे। मझधार में सफीना सफीना माझी लगा किनारे। कब आएगा बुलावा बुलावा बुलावा, कब आएगा बुलावा हमको बता दे तेरा। कब आएगा बुलावा हमको बता दे तेरा। दिखता कहीं नहीं तू, करता नहीं इशारे। मझधार में सपना माझी लगा किनारे। अब सांस थम रही है, अब बुझ रही शमा है। अब सांस थम रही है, अब बुझ रही शमा है। थोड़ी बची है सांसें सांसें, थोड़ी बची है सांसें, वो भी रे सारी। मझधार में सफीना अब आ दिखा दे जलवा हमको, अब आ दिखा दे जलवा अपना हसीन हमको। अब आ
दिखा दे जलवा अपना हसीन हमको, है इंतजार तेरा, है इंतजार तेरा, ये दिल तुझे पुकारे मसदार में सफीना। हम हैं यहाँ अकेले, जगदीश हमको ले जा, हम हैं यहाँ अकेले, जगदीश हमको ले जा, तू जानता है सब कुछ, तू जानता है सब कुछ, ये जग हमें नकारी मसदार में सफीना, माझी लगाए किनारे, चल साज हो गई। वाह वाह, माता पिता के जीवन की शाम को, कि माता पिता के जीवन की शाम को आपने इस तरह रखा, तो मैं कहना चाहूँगी कि माता पिता ने दे दिया सब जीवन का सार, माता पिता ने दे दिया सब जीवन का सार, श्रवण जैसा चाहिए जीवन का आधार, श्रवण जैसा चाहिए जीवन का आधार। और मैं वो मुहाफिज नहीं जिन्होंने खुद, वो मुहाफिज नहीं जिन्होंने खुद, एक के वास इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम डॉक्टर जी एल मीनारिया, और दौरे गर्दिश खबर है किसे, दौरे गर्दिश में ये खबर किसे, रात कितनी जवाब थी, दौरे गर्दिश में ये खबर है किसे, रात कितनी जवाब थी, और पालने के लिए
पालने के लिए तुम्हेने बात बनी कहाँ कहाँ बेची बात बनी कहाँ बेची और जोश में जो यहाँ खरीदी शे जोश में जो यहाँ खरीदी शे होश खोकर वही वहाँ क्या बात है बहुत जोश में जो यहाँ खरीदी होश खोकर वही वहाँ बेची प्यार वादे वफा हया उल्फत प्यार वादे वफा हया उल्फत आज हर एक शय यहाँ बेची आज हर एक और अब मैं मंच की तरफ बढ़ती हूँ। जो दिला महंगाई का वो गुस्से का इजहार है जो दिला महंगाई का क्यों गुस्से का इजहार है रोना धोना किस लिए क्यों शिक्र का अंबार है रोना धोना किस लिए क्यों शिक्र का अंबार है अपने किए का सिला अपने कर्मों का है फल अपने किए का सिला अपने कर्मों का है फल आप ही की मुंतखब है आपकी सरकार आप ही की मुंतखब है आपकी सरकार आप भरोसा उससे पहले नोटबंदी की आपने देखी नोटबंदी की आपने देखी जीएसटी की आपने देखी जीएसटी की आपने देखी कैसा सबको बनाया कैसा मूर्ख बनाया है सबको अकलबंदी भी आपने देखी कैसा मूर्ख बनाया है सबको अकलबंदी भी आपने देखी था भरोसा अच्छे दिन भी आएंगे था भरोसा अच्छे दिन भी आएंगे हम परेशानी से राहत पाएंगे हम परेशानी से राहत पाएंगे सीन ताने और चने हम छोड़कर काजू और बादाम जल्दी काजू और बादाम जल्दी एक नज़्म पेश करना तो आरिस गोरे गोरे से बदबू लंबा लंबा सा दिलखशू अच्छा अच्छा सा एक सूरत भोली भाली सी एक मूरत मोहने वाली सी एक रूप हंसी एक रंग नया एक शोक नजर एक शोक अदाजब याद मुझे आ जाती है जब याद मुझे आ जाती है मैं सपनों में खो जाता हूँ और आपकी अपनी हस्ती से मैं बेगाना हो जाता हूँ मैं बेगाना हो जाता मुस्कान किसी की प्यार भरी एक तीर नजर एक तेज छुरी नजरें झुकाकर शर्माना कुछ आहिस्ता से फरमाना वो जाने क्या क्या कहना ना खामोश किसी
का रह जाना हो तो को दबा कर दांतों में मोह लेना बातों बातों में इकलाना किसी का राहों में इकलाना किसी का राहों में आंचल को दबा कर बाहों में वो नाज हसी अंदाज हसी वो नाज हसी अंदाज हसी वो साथ हसी आवाज हसी जब याद मुझे आ जाती है जब याद मुझे आ जाती है मैं सपनों में खो जाता हूँ और आपकी अपनी हस्ती से मैं एक हार हसी ने एक हार हसी ने एक सूरत प्यारी प्यारी के वो एक अंगूठी एक घड़ी वो एक हसी मोती की घड़ी कंगन वो खनकते हाथों से वो महरम दिल की बातों से वो शाल हसी वो माल हसी वो फूलों का एक जाल हसी उड़ती वो चुनरिया मनमन उड़ती वो चुनरिया मनमन की आवाज अनूठी पायल की जब याद मुझे आ जाती है तो सपनों में खो जाता और आपकी अपनी हस्ती से मैं खो जाता हूँ एक चांद चमकता पूनम का एक चांद चमकता पूनम का कुछ नूर बरसता अंतिम शिखर एक चांद चमकता पूनम का कुछ नूर बरसता अंजुम का कुछ चांदी बिखरी बिखरी सी धरती बिखरी बिखरी सी बात हवा कुछ बात का बहका बहका पर कुछ भूखा बहका बहका पर कुछ झूठ पेड़ों के सारे कुछ डारे बल खाए लेकर बैठा कुछ बेल मोचे पानी की एक दरिया एला सारी की कुछ ठंडी ठंडी मंद पवन कुछ ठंडी ठंडी मंद पवन की लगन से प्यार मुझे आ जाती है मैं सपनों में खो जाता हूँ और आपकी अपनी हस्ती से एक आशाओं का ताज महल एक आशाओं का ताज महल कुछ अरमानों की चहल पहल कुछ रोशन दीजिए यादों के कुछ रंगी लम्हे वादों के एक मीठा मीठा दर्द निहार एक उल्फत का रंग भूल बयां अरमान किसी की चाहत का अरमान किसी की चाहत का एहसास याद आज आप सभी ने बहुत ही अच्छी कविताएं मतलब स्तरीय कविताएं सुनने को मिली राजनीति सामाजिक सरोकार वाली सारी कविताएं एक से एक अच्छी कविताएं प्रस्तुत किए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह रचनाएं ग्रहण कर रहे हैं और फिर एक बार मैंने कहा कि डिस्कशन वापस हो क्योंकि इतिहास बनते इतिहास करता है अगर इसका लेखन करते हैं तो किस वे गिनती करें विशेष युवा दूसरा क्षमता के कारण और की देखने वेबसाइटों के माध्यम से जो प्रस्तुति होती है उनमें जो घटनाक्रम आता है वो सचित्रीय होता है दोगली बात नहीं होती बिल्कुल एकदम सटीक चीज़ें सामने आती है और इसलिए
यदि हम वर्तमान को समझने के लिए आगे भविष्य में जब भी इतिहास लिखा जाएगा राजनीति को समझने के लिए, तो आपके साहित्य के माध्यम से उस दृष्टि से देखेंगे तो हमको एक सटीक मतलब एक सामाजिक पक्ष उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इतिहास के पुराने जमाने में तो जो इतिहास लिखा जाता था वो तो राजनीतिकाओं धर्म पर रहता था, लेकिन आज जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक एक एक युग का पूरा चित्रण हमारे सामने आता है। उसमें राजनीति साहित्य और सब चीज़ें जब सामने आती है तो साहित्य के माध्यम से जो चीज कही हुई है उससे पूरे समाज को समझने में हम सहायक हैं, पूरे समाज को हम सकते हैं। और अगर हमने पढ़ लिया उस समय का तो पूरे समाज को समझने में बहुत आसानी रहती है, चाहे वो राजनीतिक के विचारों को समझना हो, चाहे सामाजिक विचारों को समझना हो, सांस्कृतिक विचारों को समझना हो, तो साहित्य एक सशक्त माध्यम है उसका। इसलिए जो साहित्य जो उमदा किस्म का साहित्य होता है वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, उस प्रगति के लिए भी ऐसा है, प्रेरणा भी हमारी नई पीढ़ी के लिए है। इसलिए ये साहित्य अगर छपता है और हमारी नई पीढ़ी उसको पढ़ती है देखती है तो उनको एक प्रेरणा भी प्राप्त होगी, एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए भी ये साहित्य हमें बहुत अच्छी मदद करता है। इसलिए एक बार पुनः आप सबको मैं बधाई दूँ उनका किसी बनाने के और